गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर। टुडे आई एम हियर डिस्कस अबाउट चैप्टर 6 डिवीजन। आज हम आपको मैथ में डिवीजन करना बताएंगे, तो आइए हम एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करते हैं। पुट 50 मार्बल्स इन 3 बैग्स। हमारे 3 बैग्स हैं, ये 1, 2, 3 3 बैग्स हैं और इसमें कितनी मार्बल्स है? 15। 3 बैग्स बराबर 15 मार्बल्स। हमारे बैग में 3 बैग हैं और 3 बैगों में 15 मार्बल्स हैं। तो हम इनको इसको बांटना है कि हम कितने कितने इनमें मार्बल्स रखते हैं, 1 बैग में कितने आएंगे। तो एक 1 बैग्स बराबर कर लेते हैं 15/3। डिवीजन करेंगे 3 1 3 3 5 15। 3 5 15। तो हमारे 1 बैग में कितने होंगे? 1 2 3 4 5। 1 बैग बराबर 5 मार्बल्स। तो 1 1 में ही बताना ना, 1 में 5 है, नेक्स्ट में होगा 1 2 3 4 5। 5 मार्बल्स, 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 का हम डिवाइड कर देंगे। 5 5 2 10, 5 3 15। अब हमारा आगे है ना कि कितने मार्बल्स हम 1 बैग में रखते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट वाला भी करते हैं। आइए देखते हैं, पुट 6 मार्बल्स इन 2 बैग्स। हमारे 2 बैग्स हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 2 बैग्स हमारे पास है। इन 2 बैग्स में हमें 6 मार्बल्स हैं और इसमें कैसे हम डिवाइड करेंगे कि 1 बैग में कितनी होनी चाहिए ये हमें बताना है ना। 2 बैग्स बराबर 6 मार्बल्स, 2 बैग्स में 6 मार्बल्स। तो 1 बैग्स में कितनी होगी? 1 बैग्स बराबर कर दिया, तो बराबर 6/2। डिवीजन 6/2, तो हम 2 का क्या करेंगे, यहां 2 का भाग देते हैं। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6। तो हमारे यहां पर कितनी होंगी? 3 मार्बल्स, 1 2 3। 1 बैग्स बराबर 3 मार्बल्स, 1 2 3। 1 बैग्स बराबर 3 मार्बल्स, 3 1 3 3 2 6। अब हमारा आपका आंसर आ जाता है ना कि हमारा कितना आंसर होगा, हमारा 3। ये हमारा 3 आंसर आया कि हमारा 1 बैग में 3 मार्बल्स होते हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया ना, 1 बैग में 3, 1 बैग में 3, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।